हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 के 17 क्वेश्चन कर लिए। आज हम इसका 18 क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें कथन दे रखा है लेस देन 1/8 2m प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो सबसे पहले कोई कंडीशन इसमें दिया गया कथन क्या मान के चलेंगे, pn और स्मॉल n बिलोंग्स करता है कैपिटल n। तो n इक्वल 1 रखने पर तो P1 इक्वल में यहां पर P1 की वैल्यू कितनी है 1। ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 1/8 2m प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो 1/8 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 की होल स्क्वायर, तो 1/8 2 इंटू 1 2 प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 1 3 की स्क्वायर अपॉन में, तो 9 अपॉन में, तो 1 सही 1/8। तो अब यहां पर ये 1 लेस देन है 1 सही 1/8 से। तो ये हमारा जो दिया गया कथन है n इक्वल 1 के लिए सत्य है, अर्थात p1 क्या है हमारा सत्य है। अब n इक्वल k के लिए मान के चले, तो n इक्वल k रखने पर P के सत्य मान के चलते हैं। तो n इक्वल k रखने पर P के 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n की जगह क्या रखेंगे k, लेस देन है 1/8 2k प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो मान के चलते हैं दिया गया कथन ये k के लिए सत्य, अर्थात P के क्या है सत्य है, P के सत्य मान के चलेंगे। समीकरण नंबर एक, n इक्वल k प्लस 1 रखने पर तो p k प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n की जगह पर यहां पर आएगा k प्लस 1 लेस देन है 1/8 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 और इसकी होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 k प्लस 1, k प्लस 1 से पहले वाली वैल्यू क्या है यहां पर हमारे पास k। अब समीकरण 1 से इसका मान रख देते हैं कितना है 1/8 2k प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो समीकरण 1 से तो ये लेफ्ट हैंड 1/8 2k प्लस 1 की होल स्क्वायर और प्लस में k प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/8 2k प्लस 1 की होल स्क्वायर, तो यहां पर 2k की स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे a प्लस b की होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, और प्लस में इसके क्या कर रहा है k प्लस 1। एलसीएम लेते हैं यहां से, एलसीएम लेने पर 8 एलसीएम ऊपर 2 के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 1, 8 का गुणा के प्लस 1 के साथ करेंगे तो 8 के प्लस 8, तो 8 के प्लस 8। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 8 के प्लस के 12 के, फिर यहां पर प्लस 1 और प्लस 8 प्लस के 9 अपॉन में 8। तो इसको ले सकते हैं 2k की 2k स्क्वायर सॉरी यहां पर ये हमारा 2k की होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 4k की स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9, इसको ले सकते हैं 2k की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 के इंटू 3 और प्लस में 3 की स्क्वायर। ए की वैल्यू ये होगी ये बी की, यहां पर ये बन गया 2 ए बी और अपॉन में कितनी आ गई 8। तो यहां पर ये किसकी होल स्क्वायर बनेगी 2 के प्लस 3 की होल स्क्वायर अपॉन में 8। यहां इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 और इसकी होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, ये लेस देन कर रहा है ये ग्रेटर देन है यहां पर। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को प्रूव करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस फाइव, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस फाइव, संख्या तीन का गुणज, तीन का गुणज ये हमें प्रूव करना है। तीन का गुणज यानी तीन का इसमें भाग जा रहा है, दिया गया कथन हम क्या मान लेते हैं पीएम है। सबसे पहले एन इक्वल वन रखने पर, तो एन इक्वल वन रखेंगे तो पी वन एक इंटू एक, एक प्लस पांच, तो एक इंटू दो इंटू पांच, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस फाइव, तो एक इंटू दो इंटू एक प्लस पांच कितने हुए छह, छह इंटू दो कितना आ गया हमारा बारह, बारह में तीन का भाग जा रहा है तो बारह संख्या तीन का एक क्या है गुणज है, संख्या तीन का एक क्या है गुणज, तो पी वन हमारा क्या हो गया सत्य। एन इक्वल के रखने पर, तो के रखने पर पी के इंटू के प्लस वन और के प्लस पांच, माना संख्या तीन का गुणज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान के चलते हैं ये संख्या तीन का क्या है गुणज। फिर नेक्स्ट एन इक्वल के प्लस वन के लिए प्रूव करेंगे, एन इक्वल के प्लस वन रख दें तो पी के प्लस वन, के प्लस वन इंटू k प्लस वन प्लस वन, और यहां पर n की जगह k प्लस वन प्लस फाइव। अब इसको यहां पर प्रूव करते हैं, तो देखो यहां पर इक्वल में k प्लस वन इंटू k प्लस वन कितने हो गए k प्लस टू, और इंटू में k प्लस फाइव, इंटू में कितने आ गए हमारे के प्लस फाइव, यहां पर हम क्या मान के चलेंगे कि के इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव ये संख्या तीन का गुणज है, तो यहां पर फाइव अगर यहां पे दिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम के प्लस फाइव प्लस वन, के प्लस फाइव प्लस वन, क्योंकि हमारा ये k इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव संख्या तीन का गुणज है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ, तो k प्लस वन के प्लस टू के प्लस फाइव, फिर प्लस k प्लस वन के प्लस टू का वन के साथ, तो k प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब यहां पर हमारा है k इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव, तो एक इसका पक्ष k इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव इस प्रकार से नहीं, तो k प्लस वन के प्लस फाइव ये हमारे पास इस प्रकार से है, तो k का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो k इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव, फिर इंटू में अब प्लस टू का करेंगे तो प्लस टू इंटू k प्लस वन k प्लस फाइव, प्लस टू इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव, और प्लस ने के प्लस वन इंटू के प्लस टू, के प्लस वन इंटू के प्लस टू, के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव, इतना हमें पता है ये किसका गुणज है तीन का गुणज है, ये हम समीकरण एक में मान के चले, तो इसको ऐसे रखें के इंटू के प्लस वन k प्लस फाइव, फिर प्लस इसमें से हमारा कॉमन आ रहा है k प्लस वन, तो ब्रैकेट में हमारा रहेगा टू इंटू के प्लस फाइव प्लस k प्लस टू, प्लस में k प्लस टू, इसको सोल्व करते हैं k इंटू के प्लस वन k प्लस फाइव प्लस k प्लस वन इंटू टू के प्लस टेन प्लस के प्लस टू, प्लस में के प्लस टू,
अब यहां से k इंटू के प्लस वन k प्लस फाइव प्लस में k प्लस वन टू के प्लस की थ्री के प्लस ट्वेल्व तीन का एक गुणज बन जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा k इंटू के प्लस वन k प्लस फाइव प्लस यहां से तीन बात मान लेते हैं तीन इंटू के प्लस वन तीन कॉमन लिया ब्रैकेट में रह गया के प्लस टू। अब क्या देखेंगे दी गई समीकरण के दाएं पक्ष में दो पद है इसमें पहला पद के इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव तीन का एक गुणज है समीकरण एक से तथा दूसरे पद में तीन तीन का ये भी एक गुणज है तीन दिया तीन का एक गुणज है तो इसके जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो भी तीन का एक क्या होगा गुणज होगा। तो अतः पी के प्लस वन के लिए हमारा दिया गया कथन सत्य है। क्या करोगे सबसे पहले पी वन बी वन की वैल्यू लिखनी है बारह तो बारह में तीन का भाग जा रहा है तो ये संख्या तीन का एक गुणज है। फिर एन इक्वल के लिए एन की जगह के पुट करेंगे तो ये मान के चलेंगे ये तीन का एक गुणज है तीन का इसमें डिवाइड फोर है। फिर एन इक्वल के प्लस वन के लिए तो के प्लस वन पुट करोगे एन की जगह। अब यहां से देखोगे आपके पास के इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव है तो यहां पर ये हमें पता है के इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव तो तीन का एक गुणज है तो यहां से हमने के प्लस वन के प्लस फाइव इस प्रकार से ये बना ली। उसके बाद यहां पर ये k प्लस वन k प्लस फाइव थे तो इस k का इनके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में टू का भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। फिर यहां पर इस साइड k इंटू k प्लस वन k प्लस फाइव बन गया तो इसको आप कोई भी सोल्व नहीं करोगे क्योंकि इसमें हमें पता है ये हमारा तीन का एक गुणज है समीकरण एक से। अब उसके बाद यहां पर इसको सोल्व करें तो यहां पर हमें एक बनाना है जो संख्या दी है उसका कोई ना कोई एक गुणनखंड उसका कोई ना कोई एक गुणनखंड बना दे। जैसे ये बन गया यहां पर तीन के प्लस बारह तीन कॉमन ले लिया तो तीन में तीन का भाग जा रहा है अगर इसमें जा रहा है तो जो भी इसके मल्टीप्लाई में ये मान के चलते हैं उसमें भी तीन का भाग जाएगा तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।